वो रात हम सबकी जिंदगी की काली रात थी और उसके बाद ही से सब कुछ बदल चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी उस रात को भूल जाएं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मुझे मेरी पत्नी और मेरी औलाद को अकेला छोड़ दीजिए, दूर रहिए हमसे। वो सब बिल्लियाँ और चमगादड़ शांति के साथ उस आदमी की सारी बातें सुनते रहते हैं, उनमें जरा सी भी हलचल नहीं होती है। वो आदमी अपने हाथ जोड़ते हुए नम लहजे के साथ कहता है, प्लीज चले जाइए यहाँ से और फिर दोबारा कभी मत आइएगा। मैं अपनी औलाद को इन सब चीजों से दूर रखना चाहता हूँ। इतना कहकर वो आदमी खामोश हो जाता है। उस आदमी की बात सुनकर सारी बिल्लियों और चमगादड़ों की आंखें नम हो जाती हैं। वो सुनहरी बिल्ली उस आदमी को देखते हुए हाँ में अपना सिर हिलाने लग जाती है, जैसे वो उस आदमी को संकेत दे रही हो कि वो उसकी बात मानने के लिए तैयार है। वो सुनहरी बिल्ली पीछे पलट जाती है और उसके पीछे पलटते ही एक एक करके सारी बिल्लियाँ पीछे पलटने लग जाती है। देखते ही देखते वो बिल्लियां वहां से जाने लग जाती हैं और उनके जाते ही सारे चमगादड़ भी एक एक करके वहां से उड़ते हुए जाने लग जाते हैं। सारी बिल्लियों और चमगादड़ के जाते ही वो आदमी भी वापस से हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वो औरत जिसने कुछ देर पहले अपनी बच्ची को जन्म दिया था, वो बेड पर लेटी हुई थी और उसके बगल में ही उसका नवजात शिशु था जिसे वो बड़े प्यार से देखे जा रही थी। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। खुश होती भी कैसे नहीं, आखिर वो उसकी औलाद थी, वो औलाद जिसको जन्म देने के लिए उसने अपार पीड़ा सही थी। पर अब उस बच्ची का चेहरा देखकर वो अपनी सारी पीड़ा भूल चुकी थी और उसे प्यार करने में लगी हुई थी। वो औरत उस बच्ची को प्यार से देख ही रही थी कि उस कैबिन के अंदर उसका पति आ जाता है, वही आदमी जो बिल्लियों से बात करने के लिए कुछ देर पहले बाहर गया था। वो आदमी धीरे से उस औरत के पास आता है और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से पूछता है, तुम ठीक हो ना डायंतिका? डायंतिका अपने पति को जवाब देते हुए उतने ही प्यार से कहती है, मैं ठीक हूँ निशाच, मुझे कुछ हो सकता है कि आपके होते हुए? निशाच शांति के साथ वहाँ पर खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता है। डायंतिका अपनी बच्ची की तरफ देखते हुए कहती है, मैं भी ठीक हूँ निशाच और हमारी बच्ची भी बिल्कुल ठीक है, तुम एक लड़की के बाप बन गए हो। जब निशाच की नजर उसकी बच्ची पर पड़ती है तो उसका मन पुलकित हो जाता है। उसकी खुशी उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर ही समझ में आ रही थी। निशाच उसी वक्त डायंतिका के बगल में से अपनी बच्ची को उठाता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। निशाच अपनी बच्ची को प्यार से पुचकारने लग जाता है, उसे लाड दुलार करने लग जाता है। निशाच अपनी बच्ची को देखते हुए बड़े प्यार से डायंतिका से कहता है, देखा डायंतिका, मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें एक लड़की ही होगी, देखो ऊपर वाले ने हमारे घर एक लक्ष्मी को भेजा है। डायंतिका पलट कर कहती है, निशाच तुम कभी कुछ गलत बोल सकते हो क्या? आज तक वही तो हुआ है जो तुमने कहा है, तुम तो अंतर्यामी हो। निशाच अपनी बच्ची की तरफ देखते हुए डायंतिका से कहता है, तुम्हें पता है डायंतिका, इसकी आंखें ना पूरी तुम पर गई है। डायंतिका पलट कर कहती है, नहीं निशाच, इसकी आंखें मुझ पर नहीं तुम पर गई है, अपने पिता पर। निशाच कहता है, नहीं डायंतिका, इसकी आंखें और आवाज दोनों तुम पर गई है। जब ये रो रही थी ना तो मैं तो नीचे इसकी आवाज सुनकर ही समझ गया था कि हमारी संतान इस दुनिया में आ गई है। जैसे निशाच ये बात बोलता है, डायंतिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। थोड़ी देर पहले जो उसके चेहरे पर खुशी आई थी वो गायब होने लग जाती है। डायंतिका निशाच से पूछती है, वो बिल्ली की आवाज है निशाच? इतना कहकर डायंतिका खुद चुप हो जाती है। वो अपनी बात ही पूरी नहीं करती है, पर निशाच समझ गया था कि डायंतिका इसके आगे क्या कहने वाली थी। उस बात के बारे में सोचकर ही निशाच के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलने लग जाते हैं। डायंतिका हिचकिचाहट के साथ हिम्मत करते हुए फिर निशाच से बोल पड़ती है, क्या वो आए थे निशाच? निशाच खामोशी के साथ खड़ा रहता है, डायंतिका के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। डायंतिका निशाच पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछ पड़ती है, बोलो निशाच क्या वो आए थे? निशाच हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ डायंतिका वो आए थे। जैसे ही डायंतिका निशाच के मुंह से ये बात सुनती है उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। डायंतिका की यह घबराहट निशाच उसे देखते ही समझ जाता है और वो हड़बड़ाहट के साथ डायंतिका से बोल पड़ता है, पर अब घबराने वाली कोई बात नहीं है डायंतिका, मैंने उन्हें समझा दिया है और वो यहाँ से जा चुके हैं। डायंतिका घबराते हुए फिर बोल पड़ती है, पर उन्हें कैसे पता निशाच कि हम यहाँ हैं? उस काली रात सब कुछ खत्म होने के साथ ही हम तो हमारे सारे निशान मिटा कर आ गए थे वहां से। निशाच डायंतिका की बात का पलट कर जवाब देते हुए कहता है, हम तो सारे निशान मिटाकर आ गए थे डायंतिका, पर अतीत के कुछ निशान मिटकर भी नहीं मिटते हैं।
एक न एक दिन उनका आमना सामना हो ही जाता है। निशाज अपनी बात पूरी करते हुए डायंतिका की आंखों में देखते हुए कहता है, और तुम्हें अच्छे से पता है वो कौन है, हम कहीं भी रहे वो हमें बड़ी आसानी से खोज सकते हैं। डायंतिका डरते हुए कहती है, इसका मतलब वो सब वापस आएंगे और फिर हमें। निशाज डायंतिका से कहता है, नहीं डायंतिका, वो सब वापस नहीं आने वाले। मैंने कहा ना तुमसे, मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया है और वो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। डायंतिका घबराते हुए कहती है, पर अगर वो वापस आ गए तो। डायंतिका की ये बात सुनकर निशाज को गुस्सा आ जाता है। निशाज के कान एक आम इंसान से कुछ ज्यादा ही बड़े थे, जिस कारण उसे देखते ही किसी का भी ध्यान उसके कान को बड़ी आसानी से नोटिस कर सकता है। गुस्सा होने के कारण निशाज के कान लाल होने लग गए थे। ऐसा लग रहा था उसके पूरे बदन का खून उसके दोनों कानों में समाने लग गया था। निशाज गुस्से के साथ ही पलट कर डायंतिका को जवाब देता है, अगर वो लोग वापस आ गए तो फिर वो लोग अच्छे से जानते हैं उनका क्या हश्र होगा। मैंने शिकार करना छोड़ा है, शिकार करना भूला नहीं हूँ। डायंतिका पलट कर कुछ जवाब नहीं देती है, अपनी बच्ची की तरफ ही देखते रहती है। निशाज भी अपने गुस्से पर काबू करते हुए डायंतिका को समझाते हुए कहते हैं, डायंतिका तुम भी ये क्या बातें लेकर बैठी हुई हो, छोड़ो ये सब, आज तो खुशी का मौका है, हमें ये सब बातें नहीं करना चाहिए, अपनी बच्ची के बारे में सोचना चाहिए, उसके आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। डायंतिका को भी निशाज की बातें बिल्कुल ठीक लगने लग जाती है। डायंतिका निशाज की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो निशाज, हमें ये सब बातें भूलकर अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, उसके आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह हमारा अतीत काले साए में डूबा हुआ है, उसी तरह उसका भविष्य काले साए से लिपटा हुआ नहीं होना चाहिए। निशाज भी डायंतिका की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए कहता है, तुमने सही कहा डायंतिका, हम इस बात का पूरी तरह ख्याल रखेंगे कि हमारी बेटी को कभी हमारे अतीत के बारे में पता न चले, और इस बात का भी उसे कभी पता न चले कि वो आखिर है कौन। डायंतिका भी निशाज का साथ देते हुए बोल पड़ती है, हम उस पर कभी हमारे अतीत की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे, दूर रखेंगे उसे इन सब चीजों से। निशाज अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहता है, हम इसका नाम चित्रा रखेंगे, वो चित्रा जो अपनी कला से सब कुछ बदल कर रख देगी, हमारा अतीत भी और हमारा भविष्य भी। डायंतिका मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छा नाम सोचा है निशाज तुमने, हमारी बेटी को आज से हम चित्रा कहकर पुकारेंगे, हमारी बेटी चित्रा। डायंतिका की बात कहते ही निशाज अपनी बच्ची को डायंतिका के पास लेकर जाता है और उसके गले मिल जाता है। डायंतिका भी निशाज के करीब आ जाती है। युग लॉकेट के अंदर ये सब देख ही रहा था कि तभी आंसू की बूंद में से फिर से हलचल होने लग जाती है, और देखते ही देखते उसे डायंतिका, निशाज और चित्रा तीनों का चेहरा धुंधला धुंधला नजर आने लग जाता है। आंसू की बूंद की हलचल तेज हो गई थी। युग को फिर से चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है, वही चित्रा जो उससे बात कर रही थी। चित्रा युग से कहती है, युग बेटा मेरी इस याद से तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हारी माँ किन हालातों में पैदा हुई थी। तुम्हारी माँ जो मरी हुई पैदा हुई थी, बिल्लियों के रोने से एक बार फिर जी उठी थी। मेरे माता पिता ने भले ही सोच कर रखा हुआ था कि कभी भी मुझ पर उनके अतीत का साया तक नहीं पड़ने देंगे, सब कुछ मुझसे छुपा कर रखेंगे, पर कहते हैं ना, आप अपने अतीत को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक ना एक दिन वो आपके सामने आ ही जाता है। आप अपना भविष्य तो बदल सकते हैं, पर आपका अतीत नहीं। युग बड़े गौर से चित्रा की सारी बातें सुनता रहता है, लॉकेट के अंदर ही देखते रहता है। चित्रा फिर बोल पड़ती है, मेरी माँ मुझे बताती थी कि बचपन में जब पहली बार मेरा मुंडन किया गया था, उस वक्त पूरे एक महीने तक मैं बीमार रही थी, तब तक जब तक मेरे नए बाल आने शुरू नहीं हो गए थे। मैं बीमार होती भी कैसे नहीं, आखिर मैं डायन जो थी, और डायन के बाल काटने से वो कमजोर होती है, और मेरा भी कमजोर पड़ना जायज था। उसके बाद माँ ने 7 साल तक मेरे बाल नहीं काटे, पर मेरे बाल मुझसे ज्यादा लंबे हो चुके थे, जिस पर मेरे माता पिता का ध्यान तो नहीं गया, पर आस पड़ोस में रहने वालों का चला गया था। उसी वजह से एक बार फिर मेरी माँ ने मेरे बाल काटे, पर बाल काटते ही अगले ही दिन मेरी तबीयत फिर खराब हुई। और उससे भी हैरान करने वाली बात ये थी कि जितने बाल मेरी माँ ने पिछली रात को काटे थे, उतने ही बाल अगली सुबह वापस आ गए थे। उसके बाद फिर कभी मेरी माँ ने बाल नहीं काटे, बस कहा कि उनका जोड़ा बनाकर रखा करूँ, साथ में स्कार्फ से ढक कर भी रखूँ ताकि किसी की उन पर नजर ना पड़े। पर जब मैंने माँ से पूछा कि ऐसा क्यों, तो वो कह देती, क्योंकि तू लड़की है और लड़कियों को अपनी सबसे खूबसूरत चीज छुपा कर रखना चाहिए ताकि उन्हें किसी की नजर ना लगे, और तेरी सबसे खूबसूरत चीज है तेरे बाल, समझी। माँ ने तो उस वक्त मेरे सारे सवालों को टाल दिया, पर मैं समझ गई थी कि मैं बाकी सबसे अलग थी, माँ पापा कुछ तो मुझसे छुपा रहे थे। युग एकटक नजर से चित्रा को देखते हुए उसकी सारी बातें सुनते रहता है। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, माँ पापा ने बहुत कोशिश की मुझे सब चीजों से दूर रखने की, पर मैं कहाँ दूर रहने वाली थी,
जो मुझे पसंद था मैं वो करके ही रहती थी। बचपन से ही मुझे बिल्लियों से लगाव था। जब भी मैं किसी बिल्ली के पास जाती तो माँ उस बिल्ली को तुरंत मुझसे दूर हटा देती और मुझे डांटती भी, ये कहकर कि बिल्लियाँ अशुभ होती हैं, उनके पास जाना बुरी शक्तियों को निमंत्रण देना है, तो उनसे दूर ही रहे। पर मैं कहाँ माँ की बात मानने वाली थी। जब भी मुझे मौका मिलता मैं बिल्लियों के पास चली जाती। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए कहती है, माँ पापा ने जो प्रण लिया था वो उस प्रण को पूरी तरह निभा रहे थे। उन्होंने अपने अतीत का मुझ पर साया तक नहीं पड़ने दिया था। एक आम परिवार की तरह हम सब आम जिंदगी जी रहे थे। माँ घर संभालती थी, पापा जॉब पर जाते थे और मैं स्कूल जाती थी। पढ़ने में मैं उतनी अच्छी भले ही नहीं थी, पर पेंटिंग करने में मेरा कोई जवाब नहीं था। बचपन से ही मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कहते हैं ना, आप अपने अंदर की शक्तियों को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाती है। और मेरी शक्ति भी एक दिन मेरे सामने आई, एक ऐसे रूप में जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हूँ। हम सबको जिंदगी भर जो चीज हमेशा याद रहती है वो होता है हमारा पहला प्यार। और जो मुझे याद रहा जिंदगी भर वो था मेरा पहला शिकार। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।